सो हे गाइस, स्वागत आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो डिफेंस स्टॉक्स हैं उनको लेकर। आप लोग देखोगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 4% का फॉल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भैल उसमें भी आप लोग देखोगे 4% के करीब गिरावट है। एचएल में सबसे ज़्यादा 6.5% के करीब, जी हाँ 6.5 से 6.5% के करीब स्टॉक फिसला है और 49 लगभग 5,000 के नीचे में शेयर आ गया है भाई। वहीं आप लोग देखोगे भी जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है इसमें भी 3.5% के करीब हमें एक बिग फॉल देखने को मिल रहा है। तो आखिरकार गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, एचएल में आखिरकार क्यों इतनी बड़ी गिरावट आई है। स्टॉक अपने हाई से आप लोग देखोगे 12% के करीब, 12-13% के करीब फिसल चुका है। क्या ये मौके हैं? जी हाँ, बजट से पहले इन शेयरों में एसआईपी करने के मौके हैं, या फिर जो फ्रेश एंट्री के रास्ते देख रहा था तो करंट टाइम आ गया है फ्रेश एंट्री का। आप लोग देखोगे बाजार थोड़े से डाउन है, अभी बाजार में क्यों गिरावट बनी है, क्यों हमारे बाजार गिरावट में है, क्यों आखिरकार ये शेयर टूट रहे हैं। सबसे पहले शेयरों के पीछे गिरावट का जो रीजन है वो आप लोग देखो, पीछे आई इन शेयरों में बड़ी रैली बजट पहले जो देखने को मिली है, और अभी बजट के थोड़े दिन पहले ही हमें जो और बड़ी करेक्शन दिखाई दी है, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग हुई थी पीछे। और अभी आप लोग देखोगे अमेरिका के बाजारों के हाल जो कल थे वहां पर एक हैवी सेलिंग, नैसडैक 2.5% 2.5% के करीब टूटा हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे बाजार के ऊपर भी है। ठीक है, निफ्टी 50 भी आप लोग गिरावट में गए लेकिन अभी टाइम रिकवरी लिए, निफ्टी 50 भी आप लोग ऑलमोस्ट फ्लैट है अभी के टाइम। और बात करें इन शेयरों में तो इन शेयरों में भी हमें जो अभी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे बहुत से ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से अपडेट आए हैं कि वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक महंगे हैं। देखो भाई, वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आपको महंगे लग रहे हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से जो सोच रहे हो उस हिसाब से चलिए। आपको अगर महंगे लग रहे हैं तो कोई यहां पर जोर जबरदस्ती नहीं किसी के साथ, और जो खरीदने वाले वो खरीदेंगे। यहां पर 16 ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है एचएल के ऊपर, जिनमें से 14 बिल्कुल पॉजिटिव है, दो ही क्या बोल रहे हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हो भी बजट से पहले क्यों टूटा ये डिफेंस शेयर, और 2 दिन में 10% की गिरावट आई है शेयर में। असली वजह जानी है भी क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो भी शेयर में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में 10% का फॉल आया है, और एक ब्रोकरेज फॉर्म की रिपोर्ट के बाद यह देखने को गिरावट देखने को मिल रही है। तो किसकी रिपोर्ट आई है, क्यों उन्होंने बोला है, तो उनकी भी डिटेल जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो डिफेंस सेक्टर के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं इस बजट के चलते, इसलिए देखो भाई मेरे को नहीं लगता है कि इस गिरावट के अंदर आपको बेचना चाहिए, इस गिरावट के अंदर एसआईपी करनी चाहिए, यानी कि थोड़े बहुत शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए। 10% हाल फिलहाल स्टॉक जो है फिसल चुका है अपने हाई से। तो यहां पर देखोगे ब्रोकरेज फर्म इंक्रेड ने एचएल पर एक नोट जारी कर डिफेंस स्टॉक्स के वैल्यूएशन को लेकर चिंता जताई है। ब्रोकरेज फर्म ने एचएल की तुलना फ्रांस की एक डिफेंस कंपनी डेसॉल्ट एविएशन उसके साथ किया है। डेसॉल्ट एविएशन की पिछले कारोबारी साल में आए $5.19 अरब रही है, और मुनाफा आप लोग देखोगे $974 मिलियन रहा है। और ग्रोथ क्या है उनकी, जो ग्रोथ के अनुमान है इस मुकाबले एचएल की जो आय है वो $3.67 अरब और मुनाफा $921 मिलियन पर है और रहा है। हालांकि एचएल की जो एंटरप्राइजेज वैल्यू है वो आप लोग देखोगे $41 अरब है, डसॉल्ट एविएशन्स की अगर बात करें तो $6.7 अरब है। इस नोट में कहा गया है कि अगले 2 साल में डसॉल्ट एविएशन्स की आय या फिर अर्निंग्स जो भी 24% और 12% हो सकती है, यानी आय 24% और अर्निंग्स 12% CAGR से ग्रोथ कर जो ग्रोथ है वो दर्ज करेगा। एचएल के लिए यह अनुमान 13 से 8% पर है, ठीक है 13 और 8%। और 2023 में डेसॉल्ट के पास $41 अरब के जो अभी ऑर्डर बुक थी, ठीक है बहुत अच्छी ऑर्डर बुक थी, जबकि एचएल के पास अभी टाइम ऑर्डर बैकलॉग में लगभग $11 अरब के हैं। तो ये अपडेट्स हैं। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी यहाँ पर देखोगे एचएल की कवरेज में शामिल करने वाले 16 एनालिस्टों में से 14 ने बाय की रेटिंग दी है यहाँ पर, और जबकि एक ने होल्ड करने के लिए बोला है और एक ने आप लोग देखोगे भी सेल के लिए राय दी है। तो क्या है, हालांकि गुरुवार को शुक्रवार आज के दिन आप लोगों ने देखोगे भी एक हैवी, गुरुवार के दिन बाजार बंद थे, सॉरी कल के दिन तो वेडनेसडे, आज गुरुवार को मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते इन शेयरों में भारी भरकम फॉल, ठीक है यहाँ पर देखोगे भी एक बड़ी, उसके बाद जो भी थोड़े बहुत बाजारों में रिकवरी आई है नीचे से, इन शेयरों में भी रिकवरी देखने को मिली लेकिन उसके बाद फिर स्टॉक नीचे गए हैं। ये एचएल में भी दिन के निचले स्तरों से थोड़ी बहुत रिकवरी बनी थी लेकिन अभी टाइम फिर नीचे चले गए हैं। 2026 के लिए एचएल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 38.26% टाइम पर है, और वहीं 5 साल का औसत
पी अगर मल्टीपल देखा जाए तो 23.6 जो ना भी गुना का रहने वाला है, यानी कि 23.6 टाइम का रहेगा भी इसका मल्टी पी। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में भी हमें थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिले हैं। FII है, DII है, उनकी होल्डिंग हमें यहाँ पर घटते हुए नजर आए। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स है 6.75% से 5.8% पर स्टेक लेके गए हैं। ठीक है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी FPI है 12.5% के करीब से 11.5% पर लेकर आ गए, तो यहाँ पर उन्होंने भी 1% के करीब स्टेक कट किया है। तो यही सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पर देखोगे भी सबसे बड़ी बात क्या है, ये देखो मार्च तिमाही तक 200,000 से कम निवेशक निवेश करने वाले जो शेयर होल्डर्स 200,000 से कम जिन्होंने निवेश किया है वो 6.9 लाख थी। ठीक है, उनकी संख्या, लेकिन अभी के टाइम आप लोग देखोगे जो कि अब बढ़कर रिटेलर्स के ये 10.8 लाख, यानी कि जो निवेशक हैं रिटेलर्स वो यहाँ पर ज़्यादा हावी होते हुए नजर आए हैं। इसलिए आगे चल कर जो अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, तो ये इनका मानना है। बट 14 तो बिल्कुल पॉजिटिव है, एक ने होल्ड करने के लिए बोला है तो हम भी होल्ड के ऊपर चलेंगे, और बाय करने के मौके भी SIP करने के मौके हैं। अगर आपके बाइंग प्राइस है स्टॉक 5% 6% नीचे 10% नीचे है तो SIP कीजिए, पैनिक सेलिंग यहाँ पर नहीं करना है। तीनों शेयरों में कहीं पर भी आपको बाजार जो ना भी कमजोर नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अमेरिका के बाजार में थोड़ा सा माहौल खराब है इसलिए, और पूरा डिफेंस स्टॉक्स आप लोग देखोगे आज हमें गिरावट में दिखाई दे रहे हैं, तो पैनिक नहीं होना डिफेंस शेयरों को लेकर आज। नहीं तो आप लोग आज गिरावट कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही गिरावट आपको एक अच्छी रैली में कन्वर्ट होते हुए नजर आएगी। बजट और रिजल्ट्स अभी बाकी हैं, सब कुछ बाकी है, ये तो आप लोग देखोगे भी एक जस्ट आपको ट्रेलर दिखाया गया, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। ठीक है, रिजल्ट 23 बजट 23 तारीख को है, रिजल्ट्स उसके बाद आएंगे। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो, और बेल है, फ्रेश एंट्री का मौका है, लेना है तो ले सकते हो, और जो हमारा जो HCL है इसमें फ्रेश एंट्री के मौके हैं, और सेकंड थर्ड हमारा जो स्टॉक है BDL भार डायनेमिक्स लिमिटेड, वहाँ पर भी बड़े मौके हैं फ्रेश एंट्री के, स्टॉक डबल होएगा आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर, आप लोग देख लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।